नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18। हरि प्रेमियों, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को और सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा और सुन लेगा, देख लेगा और यह सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भी संबाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां पर धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा और भीष्म परव के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी सब बातें धृतराष्ट्र को सुना दी। 25वें अध्याय के तक धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, जो कि अब 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं, उसका आरंभ अध्याय 18। आइए श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे हर्षिकेश, हे केशी निषुदन, मैं सन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए।
उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो शास्त्र विहित कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। कारण यह है कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये पांच कारण बताए गए हैं, इनको तू मुझसे समझ। इसमें कर्मों की सिद्धि में अनुष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा कारण देव संस्कार है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं। परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है और वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। जिसका अहंकार कृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को भी मार कर भी न मारता है और न बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और प्रज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है उस ज्ञान को तुम राजस समझो। हे अर्जुन, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कृतित्व अभिमान से रहित, कर्तव्य भाव से अभिमान से रहित हो तथा फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो वह सात्विक कहा गया है। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना देकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित,
धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता रागी कर्म फल की इच्छा वाला लोभी हिंसा के स्वभाव वाला अशुद्ध और हर शोक से युक्त है वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान अशिक्षित ऐठ अकड़न वाला जिद्दी उपकारी का उपकार करने वाला आलसी विषादी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। प्रथानंदन जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है वह बुद्धि सात्विक है। पार्थ मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे प्रथानंदन तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है वह तामसी है। हे पार्थ समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है। हे पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धृति तामसी है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है वह सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है अतः वह सुख राजस कहा गया है। निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अनेक अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मन का निग्रह करना इंद्रियों को वश में करना धर्म पालन के लिए कष्ट सहना बाहर और भीतर से शुद्ध रहना दूसरों के अपराध को क्षमा करना शरीर मन आदि में सरलता रखना वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता तेज धैर्य प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना दान करना और शासन करने का भाव ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना गायों की रक्षा करना और व्यापार करना ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार तू मुझसे सुन जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति
उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो सप्रिया रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैस्य कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। एकोंते सिद्धि अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। जो विशुद्ध सात्वी की बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के प्रायण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरा पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जान कर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। हे अर्जुन, अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरी अक्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। कुंती नंदन, अपने भावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू अक्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यह गुह्य से भी गुह्य तर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर्म कर। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए।
भक्त को कभी नहीं कहना चाहिए तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। हरि प्रेमियों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 समाप्त हुआ। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।